राहुल का नाम लिए बिना योगी ने बोला हमला का, खुद लोकतंत्र का गला घोटते रहे दुनिया में भारत को कोसने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कोसने वाले ये वही लोग हैं जो मौका मिलने पर स्वयं लोकतंत्र का गला घोटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। पीएम मोदी दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं तो कुछ लोग देश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी रविवार को भाजपा के बसारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में जाकर देश की आलोचना करने वाले वही लोग हैं जो केरल में रहते हैं तो यूपी की बुराई करते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो केरल को। इन चेहरों को पहचानने की जरूरत है, ये देश के सुदृढ़ लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इनकी खानदानी विरासत ही बांटो और राज करो की विभाजनकारी राजनीति कर रही है। इनकी विभाजन की मानसिकता और उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। देश की उपलब्धियां कर रही नए भारत का प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8-9 वर्षों में हासिल देश की उपलब्धियां नए भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की उपलब्धियां और भावी योजनाओं की सुनहरी तस्वीर है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया को राह दिखाने वाला देश होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी गूंज को अंगीकार कर जन जन तक पहुँचाने का दायित्व सभी कार्यकर्ता पर है। सीएम योगी ने कहा कि G20 का नेतृत्व मिलना भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। वैश्विक मंच पर भारत की ताकत की यशोगाथा दुनिया गा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ा है। अफगानिस्तान की बात हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की, हर कहीं पीएम मोदी की पहल का इंतजार रहता है। इटली और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हाल में भारत आए, जापान के पीएम आने वाले हैं। यह सब देश की एक नई तस्वीर को पेश करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के पंच प्रण से सबको जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि विकसित देश के निर्माण, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने, विरासत व क्रांति वीरों का सम्मान करने, देश की एकता व एकात्मकता के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान केवल अधिकार ही नहीं बताता बल्कि कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्षों में कई स्कीमों से देशवासियों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का साकार हुआ मंत्र है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी लाचारी में कहते थे कि सरकारी योजनाओं में 100 में से सिर्फ 15 पैसे गरीबों के पास पहुंचते हैं, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। वृद्धा व विधवा पेंशन में भी कमीशनखोरी होती थी। आज पीएम मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पूरी रकम पहुंचती है। कहीं कोई सेंधमारी नहीं, भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपत्ति में भी नागरिकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रही। कोरोना संकट में मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन की सुविधा दी गई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीमारी के महज 9 माह में दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन बनाकर देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावी और सिस्टमैटिक वैक्सीन ड्राइव चलाया गया। यूपी में 40 करोड़ तथा देश में 220 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त दी गई। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू नामक महामारी आई थी, इसमें 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। गांव के गांव साफ हो गए थे, पर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत कम समय में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के देशों ने भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है, इसे अनुकरणीय माना। महामारी में भी कोई भूख से नहीं मरने पाया।